हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। देन आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी ब्रेकअप सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ख़राब चल रहा है, तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक इन दोनों का रिश्ता जो है वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है दोनों के रिश्ते में। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ब्रेकअप सिचुएशन अगर है तो कितने जल्दी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का ब्रेकअप हो सकता है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके डियर, तो चलिए शफलिंग करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ब्रेकअप सिचुएशन में क्या निकलता है। क्या वाकई में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ब्रेकअप चल रहा है? क्या वाकई में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करना चाहते हैं? तो वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके डियर, तो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेफरेट करें उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है डियर, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। शफलिंग बहुत अच्छे से हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इसका ब्रेकअप हो जाए आपके पार्टनर के साथ में, है ना। तो देखिए, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर जो निकल के आया है वो इस तरह से निकला है कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर टू ऑफ कप्स, तो चीज़ें तो खराब हो रही है, चीज़ें तो खराब मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पार्टनर जो थे इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, इस थर्ड पार्टी की तरफ अटैच थे आपके पार्टनर, मगर अब क्या हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ आ गया कि इस थर्ड पार्टी के साथ में जो उनका लाइफ है, जो उनका फ्यूचर है, वो सिर्फ एक इंजॉयमेंट था, सिर्फ एक ऐसा था कि पैसों को लेकर ही ये थर्ड पार्टी जो है उनकी ज़िंदगी में बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने एक ऐसा चीज़ समय आया है, एक ऐसा समय जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया है। और उनको खड़े होकर ये देखना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब जो सिचुएशन है ना, वो एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर को बहुत कुछ समझ आ रहा है, बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और ऐसी ऐसी बातें इन दोनों के बीच में हो रही है, बिल्कुल कहना चाहिए तो ऐसा रूड बिहेव आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में कर रही है, जो भी बेवकूफ़ियाँ इन लोगों ने करी है ना, अब उसके बाद में इन दोनों का रिलेशन जो है आप देख सकते हैं एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गया है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे ख़राब दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये कार्ड बता रहा है कि इन दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से अगर देखा जाए, पूरी तरह से तो दरार आ चुकी है, एक ऐसी दरार जिसको शायद कहा जाए तो पूरी तरह से रिश्ता है ना बिखरता हुआ दिख रहा है। आप समझ सकते हैं कि रिश्ता यहाँ पर बिखरता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही है ना वो ख़राब हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के साथ में जिस भी सिचुएशन में है ना, बहुत दर्द वाली सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा धोखा मिला है। देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक ऐसा धोखा मिला है कि जहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ब्रेकअप सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर बहुत उदासी, बहुत मायूसी, बहुत चीज़ें जो है ना वो ख़राब मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर का, ये देखिए, आपके पार्टनर को यहाँ से निकलना है, ब्रेकअप करना है। अब इस थर्ड पार्टी के साथ में उनका जो भी बॉन्ड था ना वो टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो चुका है। पार्टनर को बहुत कंफ्यूजन इस थर्ड पार्टी के साथ में फील हो रहा है, वो नहीं फील कर पा रहे कोई भी चीज़। उनको जितना एफर्ट्स डालना था उन्होंने डाला है इस रिश्ते में, जितना भी एफर्ट्स डालना था ना उन्होंने ऑलमोस्ट इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाला है। बहुत सारी चीज़ों की तरफ देखा है, बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करी है आपके पार्टनर ने, पर चीज़ें सही नहीं हुई है। ठीक है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो अपने ईगो में बैठी हुई थी। थर्ड पार्टी का यहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है। आप समझ सकते हैं कार्ड किस तरह के आए हैं, है ना।
काफ़ी कार्ड यहाँ पे निकल चुके हैं, और बॉटम की एनर्जी से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आना एक इस बात को बता रहा है कि ये जो बॉटम में जो भी एनर्जी निकली है ना इस थर्ड पार्टी की, वो पूरी तरह से ये बता रही है कि इस थर्ड पार्टी ने बहुत कंट्रोल किया है, ठीक है, बहुत। और कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर जो अति इस थर्ड पार्टी ने करी है ना, उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि अब आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी से पूरी तरह से अलग होना चाहेंगे, इस थर्ड पार्टी से पूरी तरह से निकलना चाहेंगे। क्योंकि अब आपके पार्टनर को ये पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी ने जितना बेवकूफ़ बनाना था, जितना आपके पार्टनर का मजाक उड़ाना था, है ना, उड़ा चुकी है। बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत जिल्लत वाली ज़िंदगी आपके पार्टनर को मिली है। हालांकि आपके पार्टनर खुद इस रिलेशनशिप में गए, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, लेकिन थर्ड पार्टी ने जिस तरह से इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया, जिस तरह से इनकी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी ना, वहाँ पर आपके पार्टनर को गिल्ट फील होने लगा। वहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा कि इनकी आज़ादी, इनका लाइफ, सब कुछ थर्ड पार्टी ने ख़राब कर दिया है। मतलब पार्टनर की तो ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। पार्टनर किसके हिसाब से जी रहे हैं? पार्टनर थर्ड पार्टी के हिसाब से जी रहे हैं, है ना। पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के कहने से चल रहे हैं, पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कहने से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो सब कुछ सौंपने के बाद में भी, इतना एफर्ट्स डालने के बाद में भी थर्ड पार्टी ने क्या दिया इनको? धोखा, ब्रेकअप। ये देखिए, ब्रेकअप, एक ऐसा ब्रेकअप, एक ऐसा धोखा दिया जिसके बाद पार्टनर दर्द में है, तकलीफ में है। बहुत ही, कहते ना कि दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती है। जब आपका दिल तोड़ा था तो इन्होंने एहसास नहीं किया था कि आपका दिल तोड़ कर गए, आपके साथ में गलत करके गए। आज जब खुद का दिल टूट रहा है ना, तो आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, फीलिंग्स भी हो रही है, फील भी कर पा रहे हैं कि दर्द क्या होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता है ना, तब इंसान को पता चलता है कि भाई ज़िंदगी क्या होती है, किसी को दर्द देना क्या होता है। आपको आंसू देकर, आपके साथ में गलत कर कर, थर्ड पार्टी की हर एक बात मान कर, आपने बहुत रोका इस इंसान को कि गलत रास्ते पे ना जाए, पर शायद ये नहीं माने, है ना। आज जब उलझ चुके हैं, आज जब फंस चुका है बंदा, हर पल हर क्षण उसको तड़प तड़प के जीना पड़ रहा है, तो अब उसको दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, उसकी वैल्यू चली गई, समाज में इज्जत नहीं रही, है ना, सबकी नज़रों में गिर गया है, गिर गई है। अब क्या कर रही है? अब तो थर्ड पार्टी के साथ में जो हालात हो गए हैं, वो एक ऐसे हालात हो गए हैं कि किसी को ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे आपके पार्टनर। सच बताऊं तो एक ऐसे हालात में लाके थर्ड पार्टी ने खड़ा कर दिया आपके पार्टनर को, कि जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं दुनिया से, समाज से। क्यों थर्ड पार्टी ने ब्रेकअप कर लिया है? क्यों क्यों करा इन्होंने ऐसा थर्ड पार्टी ने? क्योंकि थर्ड पार्टी को जो आपके पार्टनर से नीड थी, जो ज़रूरतें थी, वो पूरी हो गई, या फिर आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे? तो यहाँ पर डिमांड करती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ही ओवर रिएक्ट करती हुई दिख रही है, पार्टनर को कंफ्यूज करती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है, थर्ड पार्टी जो अपनी पकड़ बना रही है, उस पकड़ के चक्कर में थर्ड पार्टी ने एक ऐसा जबरदस्ती का रिश्ता पार्टनर के ऊपर थोप दिया, जबरदस्ती की बातें पार्टनर के ऊपर थोप दी, कि रिश्ता जो है ना वो पूरी तरह से खराब हो गया। पार्टनर को ऐसा लगने लगा कि ये रिश्ता जो है एक जबरदस्ती का बर्डन है, जबरदस्ती की थोपी जाने वाली जिम्मेदारी है, और ये उठाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जितना ये कर सकते थे, जितना एफर्ट्स आपके पार्टनर डाल सकते थे, शायद इन्होंने डाला है, काफ़ी हद तक इन्होंने डाला है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसको तो और नीड है, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो ये लस्टी किस्म की लेडी मुझे दिखाई दे रही है, लेडी फिगर की एनर्जी है, और इस लेडी ने, थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया है। लेकिन आज इस थर्ड पार्टी से जो आपके पार्टनर को मिल रहा है ना, वो आपके पार्टनर का ही किया धरा है। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। अब आपके पार्टनर के साथ में जो हो रहा है ना, वो उनको सबक सिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन जो है आपके पार्टनर को एक सबक सिखा रहा है, एक कर्म लौट के आ रहा है, एक साइकिल उनको वो चीज़
लेसन सिखाना चाह रहा है कि भाई किसी के फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, किसी के जज्बातों के साथ खेलने पर आपको भी वो स्थितियाँ फील करनी पड़ती है, वो स्थितियों से आपको भी गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में जी रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी लाइफ कि खड़े होके देख ही पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने जो ब्रेकअप किया है ना, और ब्रेकअप भी ऐसा वैसा नहीं किया कि सिर्फ जाओ ब्रेकअप हो गया, थर्ड पार्टी ने अच्छे से पार्टनर को लूटा है, पार्टनर के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, पार्टनर की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, पार्टनर की इज्जत दांव पे लगा दी, पार्टनर का पैसा डुबा दिया, पार्टनर का जो बिजनेस था, कैरियर था, उस सब को चौपट करके फिर ये ब्रेकअप करके गई है। तो इंसान ना घर का रहा ना घाट का, तो थर्ड पार्टी ने तो भाई आपके पार्टनर की तो नैया डुबा दी है। आप समझ सकते हैं कि इतना बेवकूफ़ बनाया, इतना कि अब आपके पार्टनर किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहे, किसी से मुंह नहीं मिला पा रहे, है ना। आप समझ सकते हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे आपके पार्टनर, ठीक है। ऐसे हरकतें आपके पार्टनर से हो गई है, जाने अनजाने कहो या जानबूझ के करी है, पर अब जो दिल में खंजर चुभे है ना, जो दिल में ठेस पहुंची है ना, वो समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को कि कितना दर्द हो रहा है। इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे आपके पार्टनर, जो कभी ये रिश्ता सच्चा था ही नहीं, जिस रिश्ते में झूठ पे बुनियाद बनाई गई थी, जो रिश्ता ही झूठ पर बना था, आपके पार्टनर उस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे, उस रिश्ते के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। ये थर्ड पार्टी बहुत इगोइस्टिक है। और डियर, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इस थर्ड पार्टी में घमंड बहुत है, और इस घमंड के चलते इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ में ये ब्रेकअप किया है, ठीक है। ये आपके पार्टनर को नीचा दिखाना चाह रही थी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम लेके आना चाह रही थी जो इसने लेके आई है। हो सकता है कि जो इसने आपके पार्टनर से मांगा था, और शायद वो आपके पार्टनर देने में असमर्थ रहे, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फाइनेंशियली लूट रही है, और इसने लूट लिया है। लूट क्या रही है, लूट लिया है। जो इसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई है, जो इसकी डिमांड है वो पूरी हो गई है। तो ये क्या कर रही है, आपके पार्टनर से चीज़ें लेती चली जा रही है। वो आपके पार्टनर को इसने उल्लू बहुत बनाया है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझा है, और आपके पार्टनर बने भी हैं काफ़ी हद तक। आपको भी पता होगा कि आपके पार्टनर ने काफ़ी लोन ले रखा है, काफ़ी पैसा मार्केट से उधार ले रखा है, यानी फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हैं आपके पार्टनर, इतना ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर कि इमोशनल होके इन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। और जिसके लिए दाव पे लगाया उसने तो गेम खेल दिया, है ना, उसने एक ऐसा गेम खेल दिया कि पार्टनर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो थर्ड पार्टी तो अपना गेम खेल गई जो उसे खेलना था, बर्बाद कौन हुआ, आपका पार्टनर बर्बाद हुआ, आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात, ये बर्बाद हुए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने अच्छे से आपके पार्टनर को यूज़ किया है, आपके पार्टनर को धोखा दिया है, आपके पार्टनर के दिल के साथ में खिलवाड़ किया है। सही भी हुआ एक तरह से, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में किया वही उनको रिटर्न मिल रहा है। तो समय उनको बहुत कुछ सिखा रहा है, समय बहुत कुछ लेसन दे रहा है, समय उनको बताना चाहता है कि हमेशा गलत चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, गलत चीज़ों में जाना भी कभी कभी भारी पड़ता है। तो यहाँ पर दर्द जो मिल रहा है ना, जो तकलीफ़ मिल रही है, जो उदासी इनको फील हो रही है ना, वो बहुत मायूसी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको निकलना है। यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के रोज रोज की कलह, रोज रोज की बातें, रोज रोज की चिक चिक से निकलना चाहते हैं, रोज रोज की पतंगड़ बातें उनको अच्छी नहीं लग रही है, और अभी जिस लॉस से वो गुजर रहे हैं ना, बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। थर्ड पार्टी ने जो ब्रेकअप किया है, इस ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर की सिचुएशन की बात करी जाए तो टूट चुके हैं। आपके पार्टनर अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, जो उतार चढ़ाव आए उनके बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं दूर निकल जाऊं इस थर्ड पार्टी की लाइफ से, इस थर्ड पार्टी के
परछाई से भी दूर भाग रहे हैं आपके पार्टनर। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की परछाई से भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत नफरत हो रही है, थर्ड पार्टी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर को दुनिया से, समाज से मुँह छुपाना पड़ रहा है। तो ऐसा भी फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आई है। आपके पार्टनर अभी इंतजार कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी की कितनी नीचे गिर सकती है, कितना लेवल ये थर्ड पार्टी जो है नीचे गिर सकती है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हदों को देख रहे हैं, इस थर्ड पार्टी की जो बेकार की आदतें हैं उसको देख रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी कितना नीचे गिर सकती है, कितना लोगों को उल्लू बना सकती है, कितना लोगों के जज्बातों के साथ खेल सकती है। ये सब आपके पार्टनर यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये समझ आ गया है कि थर्ड पार्टी के लिए पैसा ही सब कुछ है। जब तक आपके पार्टनर के पास पैसा था, जब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पे पैसा खर्च कर रहे थे, तब तक इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प करी। लेकिन जैसे जैसे आपके पार्टनर लॉस की तरफ जाने लगे, जैसे जैसे थर्ड पार्टी की ज़रूरतें पूरी होने लगी, वैसे ही थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है यहाँ पर पार्टनर को, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पार्टनर को ज़बरदस्त धोखा मिला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ में जो ब्रेकअप किया है वो किसी अनोन पर्सन के कारण किया है। हो सकता है आपके पार्टनर के दोस्तों के साथ में इसका रिलेशनशिप है, या फिर ये किसी और रिलेशनशिप की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, जिसके कारण इस थर्ड पार्टी ने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप कर लिया है। और ये ब्रेकअप सिचुएशन पार्टनर को जीने नहीं दे रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो रिलेशन दिखाई दे रहा है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। यूँ समझ लीजिए कि अब यहाँ पर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को निकलना 100% है, क्योंकि उनको यहाँ पर दम घुट रहा है इस थर्ड पार्टी से। बहुत मतलब होता है ना कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पे, बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बहुत नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को कोई भी आइडिया नहीं है, सिर्फ बुरा बोलना, बुरा कह देना, वो वाली फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर समय थर्ड पार्टी को भी बहुत कुछ सिखाएगा और आपके पार्टनर को भी, और यहाँ पर सिखा रहा है समय। समय थर्ड पार्टी को वो चीज़ें सिखाएगा जो ज़रूरी है सीखना, और आपके पार्टनर के लिए तो ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी था। अगर ठोकर ना खाते तो संभलते कैसे? तो यहाँ पर पार्टनर को संभलने के लिए ठोकर तो खानी ही पड़ेगी, है ना। जब तक आपके पार्टनर को जूते नहीं पड़ेंगे, आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं होगा, चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो कैसे ये सारी चीज़ों को सही कर पाएंगे, कैसे फ्यूचर को सही करेंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी जो है ना, वो एक तरह से बोला जाए ना तो इसने ब्रेकअप किया, पार्टनर के जज्बात के साथ खेला। क्यों? क्योंकि इसकी नज़रों में पार्टनर एक बेवकूफ़ इंसान है। इसको लगता है कि पार्टनर को जैसे चाहे घुमा सकती है, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है मैच्योर बनते हुए दिख रहे हैं, मैच्योर एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और स्टेप भी लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। फाइनेंशियली तो बहुत टूटे हैं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में। देखिए थर्ड पार्टी का घमंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, कंफ्यूज है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर भी। आपके पार्टनर जितना अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना सोच रहे हैं, अकेले ही बैठना चाह रहे हैं, और यहाँ पर तकलीफ, दर्द, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को उलझाया था, और आपके पार्टनर आज भी इसी अटैचमेंट के साथ में इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं। पर थर्ड पार्टी ने जो सेलिब्रेशन करा
करा, जहाँ पर आपके पार्टनर की धज्जियाँ उड़ाई, जहाँ पर आपके पार्टनर का मजाक उड़ाया, उसके बाद जो पैसा खर्च हुआ, जो आपके पार्टनर के फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर जो इंजॉय किया, जो चीज़ें करी गई है, उसके बाद तो अब आपके पार्टनर को चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, चीज़ें समझ आ रही है कि कौन थर्ड पार्टी कैसी है, थर्ड पार्टी का क्या वजूद है और थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर को क्या करना है। ठीक है, पार्टनर निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, अब वो एफर्ट नहीं डालना चाहते, इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें वो अपने आप सही हो जाए। ठीक है, तो डियर ये है थर्ड पार्टी ब्रेकअप सिचुएशन। आपने देखा कि ब्रेकअप क्यों चाहा, किस लिए कराना चाह रही थी, क्या मकसद था, और जो फीलिंग्स निकल के आई, जो इमोशंस थे, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप करना क्यों वो दिख रहा है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है इसको बुरा नहीं लगता कि आपके पार्टनर के साथ में इसने क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ब्रेकअप चाहते हैं। अब दिल पे पत्थर रख के आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में ब्रेकअप चाहते हैं। ओके, तो डियर ये है थर्ड पार्टी का जो मैं वीडियो बना रही थी, उसमें मुझे ये भी लग रहा है एक एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं किसके लिए आ रहा है, कि आपके पार्टनर आपसे बहुत अटैच थे, लेकिन कंट्रोल करा है, मैनिपुलेट करा है इस थर्ड पार्टी ने, और इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में जाकर आपके पार्टनर ने सारी चीज़ों को, सारे टाइम को, सारी चीज़ों को खुद ब खुद ख़राब करा है। बहुत सारी चीज़ें सही हो गई थी, पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ों को गलत चीज़ों की तरफ लिया है। देखिए यहाँ पर अब थर्ड पार्टी के साथ में ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर को चीज़ें समझ आ रही है, रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ों को बारे में क्या करना है ना। यहाँ पर जिस कनेक्शन में वो एफर्ट डाल रहे थे, जिस कनेक्शन को वो सोच रहे थे कि बहुत ही ट्रू कनेक्शन है, बहुत ही सच्चा कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की जब सच्चाई सामने आई, जब बातें सामने आई, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अरे भाई ये थर्ड पार्टी जो है एक ड्रामा कर रही थी, ये थर्ड पार्टी जो है कहीं से भी सही नहीं है। ओके, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ गाइडेंस मिला है यार आपसे, रेजोनेट करा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।